हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे चल रहा है, हर्षित की पढ़ाई चल रही है और इधर आरती खाना पीना बना रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रेड रेड हो गया। और क्या करें, अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। और मेरे हमारे घर पे टमाटर एक है। हाँ जी, एक टमाटर है। अब मैं सोच रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्जी बनानी है, मैं उसमें डालू फिर इसमें डालू, उसमें डालू फिर इसमें डालू, इसी चक्कर में। तो महंगाई महंगाई टमाटर की दिखाई दे रही है। 200 रुपए किलो टमाटर हमारे यहाँ चले। आपके इधर कितना रेट चल रहा है टमाटर का, कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ जी, और इसलिए टमाटर मैगी में अवॉइड करते हुए केवल प्याज से तड़का लगाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आरती की पोल खोल लूं। कल मटर पनीर बनी थी तो उसमें से आरती ने एक टमाटर बचा लिया। आलू टमाटर की सब्जी जब से महंगा हुआ है तब से मेरे हमारे यहाँ फर्स्ट बार गांव से आए तब से फर्स्ट बार टमाटर आया है। हाँ जी, वैसे भी टमाटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पतली अतली में ना रिलैक्स मिल जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, जिसको पतली है वो एकदम फिट फाट हो जाया ना, तो खिलाने के 50 बहाने। महंगाई से भी बचा जा सकता है और ना खिलाने के 50 बहाने होते, पतली भी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाय बन चुकी है इधर, और इधर बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। क्या कहते हैं, गर्मी बहुत हो रही है इस समय, गर्मी बहुत ज्यादा, हर जगह ही हो रही है कि यहाँ बैराज पे ही हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इधर से आ रही है गर्मी, आ रही है धूप, आ रही है उधर से। हाँ, क्योंकि इधर तो एक दिन बारिश हुई है एक बार से, उसके बाद फिर बारिश बंद है, दिमाग खराब। तो आरती महंगाई से लड़ना भली बात जानती है, और क्या किया जाए, एडजस्ट करना पड़ता है। कि अगर हम वुमेन एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो तुम्हारा ये आता है ना मनी मनी महीने के महीने, वो पता नहीं चलेगा किधर गया है ना। तो जिस भी जैसे भी जब कभी एक 10 रुपए किलो भी रहे टमाटर, अभी 200 है तो 2 रुपए किलो भी हो जाते हैं। नहीं, 2 रुपए किलो तो नहीं होते, ये तो तुम ऐसा ही बोलते हो। जब 10 रुपए किलो थे तब एक्स्ट्रा खा लिए थे, अभी थोड़ा कम खा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। वैसे भी हम लोग मैगी सब्जियां मैगी फल नहीं खाते हैं, जब सीजन पर जब सस्ते होते हैं फल, हमेशा फल तो सीजन वाले ही खाने चाहिए क्योंकि वो एकदम फ्रेश आते हैं। हाँ, फ्रेश। और बाकी बिना सीजन का फल खाओगे तो वो फ्रेश नहीं रहता है, महंगा भी रहता है। महंगा भी, महंगे की बात नहीं है, हर कोई ज्यादा नहीं खा सकता है तो कम तो खा ही सकता है उसको, पर वो खाना नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं केमिकल लगे हुए रखे रहते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, महंगाई का दौर चल रहा है, सेहत का भी खास ख्याल रखना है। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मैगी हम लोगों के लिए नहीं है, ये तो बच्चों के लिए ही है। मैं तो केवल चाय पीऊंगी, सादी चाय। हाँ जी, और उसके बाद खाना बनाऊंगी लंच। चाय पी के बनाएगी आरती खाना, और खाना बना के आराम से सो जाएगी। आज संडे का दिन है, जमकर सोती है। तो अभी ये दोपहर का टाइम, और सर कर रहे हैं बच्चों को गाय, मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, और सर का एक काम और पेंडिंग बना पड़ा हुआ है। ये चारपाई हमारी एकदम से डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वो क्या कहते हैं इसको, निकाल दिए पटार। हाँ, पटार निकाल दिए, तो इसकी अभी जरूरत भी नहीं है, बन जाएगी बाद में, सही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फोल्डिंग रखी है तो इस पे काम चलाएंगे। गर्मी है भाई, बेड भी है, पर बेड पे ना कोई लेटता ही नहीं है इस समय, बेड पे ऐसे ही बेड पड़ा रहता है हमारा, ना कोई सर्दियों में लेटे ना गर्मियों में लेटे, उसका यूज ही नहीं रहता है, इस रूम का ही यूज नहीं रहता है। कुल मिला के हम लोग इसी इस बरामदे में और किचन तक दो ही जगह ज्यादातर सीमित रहते हैं। तो बस चलती हूँ मैं अपना लंच बनाने के लिए। लंच में रहेगा आज आलू मटर और टमाटर की सब्जी। टमाटर तो फिलहाल एक ही है तो कम चल जाएगा, थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे तो उसी से टेस्ट सही आ जाएगा। तो सबसे पहले और रख देते हैं गर्म करने के लिए, और गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया है मैंने प्याज और जीरा, एकदम सादा सिंपल तरीके से बनाएंगे क्योंकि ज्यादा मसाले गर्मियों में बर्दाश्त से बाहर है।
और आलूओं को हल्का हल्का मैश कर लेंगे। और आलू टमाटर की सब्जी ना कभी अगर बॉयल करके बनाओ ना तो अच्छी बनती है, बाकी कभी कभार जल्दबाजी में काट के भी बना देती हूँ पर वो मजा नहीं आता है। प्याज हल्की सी भुन चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम सबका चाहिता एक टमाटर और हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्म मसाला इसमें हजम नहीं होता है। और टमाटर का जो टेस्ट बढ़ाने के लिए अभी मैं किस चीज से कम जलाती हूँ वो भी बता देती हूँ आप लोगों को, आमचूर से। तो एक टमाटर प्लस आधा चम्मच आमचूर, बस हो जाएगा काम इसका, खट्टा हो जाए सब्जी ना, कुल मिला के हल्का खट्टापन आ जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मसाला हो गया भुन के हमारा रेडी, डालेंगे मटर, ये सफल मटर है आलू तो सब्जी मैंने छोंक दी है, अब इसको ढककर पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स इधर सब्जी रेडी हो चुकी है, आलू मटर टमाटर, अब देखता हूँ आरती क्या कर रही है। ये देखो भैया इधर हाँ, इन्हें गर्मी ज्यादा लगती रहती है, किचन का मोर्चा संभाल के देखो एक दिन तब पता चल जाए तुमको तो ये ड्यूटी कितनी बढ़िया है। सब्जी तो रेडी हो गई फ्रेंड्स, बस भूख लग रही है और मुझे लग रहा है रोटी लग जाएगा अभी समय, रोटी बस सिक रही है, दो चार गर्मी बहुत है एकदम, हालत खराब है, पसीना, पंखा बंद कर, मैं उधर ना दिखाओ उधर दिखाओ उधर पंखा रख के काम किया करती हूँ, ये फैन है छोटा सा छोटा मोटू, पंखा बंद होते ही पसीना आने लगता है देखो पूरा, मतलब टपकने की कगार पर पसीना इस तरह से आता है। आइए आप लोग भी कर लीजिए लंच, लंच हो चुका है हमारा रेडी, और लंच में बस वही रोटी सब्जी चावल और